नमस्कार दोस्तों, सभी दर्शकों का हमारा YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक डबल जोन वाली 1000 वाट की एम्पलीफायर मशीन आई है, जिसमें दोस्तों एक चैनल पर पावर आ रही है, दूसरी चैनल पर पावर नहीं आ रही है, तो कैसे ठीक करेंगे, चलिए आज की इस वीडियो में हम सब जानते हैं। तो दोस्तों, 1000 वाट की एम्पलीफायर मशीन जो है, आज इसमें दोस्तों पावर नहीं आ रही, पावर की प्रॉब्लम है। तो कहाँ से डिस्टर्ब हुई है दोस्तों, चलिए आज हम रिपेयरिंग करनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम चलिए सीरीज लैंप के जरिए आपको हम चेक करके दिखाते हैं। इसमें दो चैनल है, जोन ए और जोन बी, यानी कि ए में पावर आ रही है, बी में नहीं आ रही है। चलिए हम एक बार स्टार्ट करके आप सबको हम दिखाते हैं। तो एम्पलीफायर मशीन पर देख रहे हैं हम खोल के रखे हैं, जोन वन पर सप्लाई आ रही है और जोन बी पर नहीं आ रही है, क्या कारण हो सकती है, चलिए हम स्टेप बाय स्टेप जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर इस तरह की फॉल्ट आपकी भी मशीन पर आ जाती है, तो नए मैकेनिक के लिए हम खास जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना है, तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हमें चेक करना है 1200 की रेंज पर हम मल्टीमीटर को रखेंगे, और ये जो कैपेसिटर आप देख रहे हैं, फिल्टर कैपेसिटर, यहाँ दो, इधर भी दो है और इधर भी दो है, यानी कि यहाँ भी हमें चेक करना है कितने वोल्ट आ रही है और यहाँ भी कितने वोल्ट आ रही है, हमें दोनों तरफ चेक करना है। चलिए हम चेक करके दिखाते हैं आपको, और इस तरह की फॉल्ट को हम रिपेयर करके दिखाएंगे। तो आप सभी से हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, फुल्ली वॉच कीजिए। मैं गारंटी लेता हूं कि इस तरह की एम्पलीफायर मशीन जो है दोस्तों, आसानी पूर्वक से आप ठीक कर सकते हैं। तो यहां मल्टीमीटर को हम नज़दीकी रख देते हैं और यहाँ से आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, ठीक है। और इधर वाले जो कैपेसिटर फिल्टर है दोस्तों, यहाँ हम दिखाएंगे आप सबको सप्लाई, तो यहाँ देख सकते हैं 48 वोल्ट सप्लाई आ रही है। इधर वाले कैपेसिटर पर 48 वोल्ट आ रही है और इधर वाले कैपेसिटर पर हमें 5 वोल्ट आ रही है, यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। अब चलिए हम इसे कैसे ठीक करेंगे, यहाँ एसी सप्लाई पर हम जो वायर निकला है, 4 वायर इधर से और इधर से 4 वायर, ठीक है, इसकी हम चेकिंग करेंगे, यानी कि एसी सप्लाई हमें आना चाहिए कम से कम दोस्तों 40-50 वोल्ट, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ चेक करते हैं, तो इधर से देख सकते हैं, यहाँ चेक कर पा रहे हैं हम, यहाँ 35 वोल्ट सप्लाई हमारी आ रही है, ठीक है, यानी कि यहाँ से हमारी सप्लाई आ रही है, लेकिन एसी सप्लाई आ रही है लेकिन एसी से डीसी कन्वर्ट इसमें नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ मेटल डाइट लगा हुआ है, देख सकते हैं, और ये मेटल डाइट से हमारी ये एसी सप्लाई दोनों घुसती है और एसी से हमारी दोनों डीसी कन्वर्ट होती है। तो चलिए हमको ये डाइट को पहले चेक करके देखना है। तो मशीन पर पावर अभी भी है और मशीन का चलिए पावर को हम ऑफ कर लेते हैं और फिर से हम चेक करके देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ से आई है, ठीक है। तो मशीन पर हम पावर जो है दोस्तों हटा चुके हैं। अब चलिए यहाँ से हम सोल्डरिंग आयरन की मदद से हम दोनों एसी सप्लाई की वायर को रिमूव करेंगे, ठीक है, ठीक है। यहाँ से चारों तार जो है हम निकाल चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है दोस्तों, ये जो मेटल डाइड है इसे हम बाहर निकालेंगे, नहीं तो दोस्तों यहीं से हम चेक करके देखेंगे। सबसे पहले मेटल डाइड से जो जितने भी वायर निकली है सबको हमें बाहर निकाल देना है। अब यहाँ से एक एक प्रोब को हमें चेक करके देखना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं एक तरफ से भी हमारी, यहाँ से हमारी एसी सप्लाई, यहाँ से डीसी सप्लाई, यानी इसे हम बाहर निकाल के हम चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेटल डाइट जो है बाहर निकल चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसकी टेस्टिंग करना आपको हम बताएंगे। तो मल्टीमीटर को जो है कंटिन्यूटी पर रख लेना है, ठीक है, और यहाँ से दोनों तरफ देख सकते हैं, यह प्लस है, ठीक है, और ये एसी सप्लाई, यानी कि ये एसी है और ये भी एसी है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ प्लस रखेंगे और इधर माइनस तरफ देखेंगे, तो यहाँ कोई भी रीडिंग नहीं आ रही है। यहाँ से देखेंगे एसी सप्लाई, नहीं, यहाँ से भी एसी सप्लाई नहीं आ रही है, यानी कि ये माइनस रखेंगे और यहाँ से पॉजिटिव में रखेंगे, ठीक है, यहाँ भी रीडिंग नहीं आ रही है, और यहाँ से एसी सप्लाई को रखेंगे एक तरफ से और यहाँ पॉजिटिव में हम देखेंगे हम आपके, तो यहाँ किधर भी हमारी सप्लाई नहीं आ रही है, यानी कि ये ख़राब हो चुका है। अब चलिए सेम हमारे पास जो है ये ख़राब है और यहाँ हमारे पास न्यू है, चलिए हम इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं, ठीक है। पहले हम इसकी टेस्टिंग करके देखते हैं, तो यहाँ एसी सप्लाई है, ठीक है,
और यहाँ डीसी है, देख सकते हैं यहाँ रेडियम आ रही है और यहाँ भी आ रही है, इस जगह भी आ रही है। चलिए अब यहाँ से हम माप के देखेंगे, यहाँ यहाँ नहीं, यहाँ देखना है, तो यहाँ भी आ रही है, देख सकते हैं यानी कि ये सही है। तो चलिए हम इसको हम सेट करते हैं और एक बार लगा के हम देखते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसी सप्लाई पर हम इसे पहले सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट हम सोल्डरिंग कर लेते हैं और आपको हम लगा के दिखाते हैं। यानी कि यहाँ एसी लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ एसी लिखा हुआ है, जो कि हमें ये दोनों वायर को जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ से हमारी एसी सप्लाई लिखा हुआ है, एक साइड इसको लगाना है और दूसरी छोर पर इसको सेट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसे सेटिंग करना बहुत ही आसान है जो जानने वाले हैं, और जो नहीं जानते हैं दोस्तों उसे हम बताएँगे कैसे ठीक करना है, ठीक है। तो यहाँ एसी सप्लाई हमारी दोनों ओर से हो चुकी है, ठीक है। अब चलिए हम इसमें फिर से हम दोबारा पावर देंगे और सीरीज बल्ब के जरिए हम चेक करके देखेंगे, ठीक है। चलिए इस वायर को हम फिर से कनेक्ट करते हैं और यहाँ सप्लाई को हम चेक करके देखेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ जो है ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये जो बचा हुआ है ये पॉजिटिव है, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव है तो ये साइड नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इसको हम एक बार हम सीरीज के जरिए हम चेक करते हैं। तो यहाँ हम मल्टीमीटर को फिर से हम 200 की रेंज पर रखेंगे, ये माइनस है और ये पॉजिटिव है, और देख सकते हैं यहाँ 30 वोल्ट आ चुका है, ठीक है, यहाँ 30 वोल्ट हमारी आ चुकी है। अब चलिए दोनों वायर को हम सॉल्ड करते हैं और फिर से आपको दिखाते हैं 1 जून पर हमारी जो पावर नहीं आ रही थी इसकी क्या वजह हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव हम सॉल्ड कर चुके हैं। अब चलिए हम फिर दोबारा इसे हम सीरीज के जरिए हम चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस और प्लस दोनों, तो यहाँ देख सकते हैं दोनों जूम आउट पर हमारी पावर आ चुकी है। केवल ये मेटल डाइट खराब होने की वजह से एक तरफ हमारी पावर आ रही थी और दूसरी तरफ नहीं आ रही थी, जो कि देख सकते हैं बिल्कुल सही हो चुका है। तो आई होप दोस्तों ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन था आप सबके लिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे टॉपिक लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।